हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। आज की वीडियो हम सीखते हैं पावर सेल के द्वारा एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने विंडोज सर्वर 2012 R2 के इंटरफेस पर। सो दोस्तों, हम यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करेंगे वाया पावर सेल आज की वीडियो में हम सीखते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर अपने सर्वर मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम को, यानी कि हम अपने विंडोज सर्वर को, अभी जो आईपी प्रोवाइड है हमारे विंडोज सर्वर को, डीएचसीपी के थ्रू आईपी असाइन हुआ है। सो सबसे पहले हम आईपी इसको स्टेटिकली दे देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम अपने सर्वर मैनेजर में लोकल सर्वर पर क्लिक करते हैं। आफ्टर डेट ईथरनेट 0, यहाँ पर IPv4 एड्रेस पर क्लिक करते हैं और सिंपली हम यहाँ पे एक स्टैटिक आईपी असाइन कर देते हैं अपने इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ओके, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। सो हम सिंपल सा एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं, 192.168.1.200। ओके, सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके बाद हम इसको डिफॉल्ट गेटवे दे देते हैं, .1.1.1 सेकेंड। ओके, ओके, डीएनएस 192.168.1.200। ओके, सो हमने अपने सिस्टम को स्टैटिक आईपी प्रोवाइड करा दिया है और ओके पर क्लिक करते हैं। यह आइडेंटिफाई हो रहा है। इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे सिस्टम को स्टैटिक आईपी प्रोवाइड हो गया है कि नहीं। तो इसी पर हम राइट क्लिक करते हैं, ओके स्टेटस पे जाते हैं और डिटेल पर जाते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम को स्टैटिक आईपी प्रोवाइड हो गया है। ओके, सो सिंपली इसके बाद यदि हम चाहें तो अपने कंप्यूटर का नेम, यानी कि अपने सर्वर का नेम चेंज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं तो आप अपने सर्वर का नेम चेंज कर सकते हैं और यदि नहीं चाहते हैं तो यही रहने देते हैं। ओके, सो हमारे सर्वर का जो आईपी है वो स्टैटिक हो गया है, हमने जो चेंज किया है। इसके बाद दोस्तों, हम पावर सेल से अपने सिस्टम, अब हम CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के द्वारा अपने सिस्टम यानी कि सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे। ओके दोस्तों, सो हम यहाँ पर पावर सेल ओपन कर लेते हैं। ओके, सो दोस्तों हमने यहाँ पर पावर सेल ओपन कर लिया है। ओके, सो यदि हम चाहें तो इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो हमने यहाँ पर फॉन्ट साइज के बढ़ा दिया है। ओके, 1 सेकेंड। ओके, ओके दोस्तों, सो हम अपने पावर सेल पर आ चुके हैं। सो सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए सिंपली हमें क्या करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम होस्ट नेम चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम का होस्ट नेम क्या है। होस्ट नेम सो हमारे सिस्टम का, यानी कि हमारे कंप्यूटर का नेम यह है। ओके, सो इसके बाद हमें अपने सर्वर पर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है। सो सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए CMD लेट होता है पावर सेल में, इंस्टॉल हाइफन। ओके, सो हमें एक विंडोज फीचर इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम होता है
पीडी डोमेन सर्विसेज। सो इसके बाद हम टाइप करेंगे इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर हाइफन फीचर का नेम NAME नेम एंड आफ्टर डेट फीचर का नेम। ओके सो हम टाइप कर देते हैं यहां पर एडी डोमेन, वन सेकेंड, एडी डोमेन एंड सर्विसेस, एडी डोमेन सर्विसेस। ओके इसके साथ साथ ही हमें इसमें जो मैनेजमेंट टूल होते हैं किसकी, एडी यानी एक्टिव डायरेक्टरी के जो मैनेजमेंट टूल होते हैं वह भी इंस्टॉल करना होता है। तो सिंपली हमें यहाँ पर हाइफन के साथ हाइफन include management tools ओके एंड इसके बाद जब हमारी एडी इंस्टॉल हो जाएगी तो सिस्टम यदि हम चाहते हैं तो सर्वर को रीस्टार्ट भी करा सकते हैं, यदि रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम टाइप कर देते हैं रीस्टार्ट, रिक्वायरमेंट होगी तो सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा और जस्ट प्रेस इंटर। ओके सो कलेक्ट डाटा कलेक्टिंग हो रहा है और हमारी एडी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट इंस्टॉलेशन। ओके सो 92% ओके ओके। सो दोस्तों यह हमारे यह CUI इसमें बहुत ही इजी है, एडी यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की अपेक्षा यह इजी है। पावर सेल का यूज ऑटोमेशन के लिए किया जाता है जो कि बहुत इजी प्रोसेस होती है। इसमें सिंपली हमें CMD let कमांड का यूज करके हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके सो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद यह हमें कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देगा। ओके सो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो या सो दोस्तों जैसे ही हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सक्सेस में ट्रू आ रहा है, लिख के रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, नो एग्जिट कोड एक्सेस मीन्स हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो चुकी है। फीचर रिजल्ट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमारे सिस्टम में यानी कि हमारे सर्वर पर इंस्टॉल हो गई है। ओके सो अब इसके बाद हमें अपने सिस्टम पर एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट को इंस्टॉल करना है यानी कि हमें अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट करना है। सो सिंपली एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट करने के लिए हमें अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में फॉरेस्ट को इंस्टॉल करना हुआ तो सिंपली हम टाइप करते हैं इंस्टॉल। इसके पहले हम अपने सर्वर मैनेजर पर जाकर चेक कर लेते हैं कि हमारी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हुई है कि नहीं। ओके तो हम सर्वर मैनेजर को ओपन करते हैं और यहां पर हम रिफ्रेश करते हैं, अपने सर्वर मैनेजर को रिफ्रेश करते हैं और वेट सम टाइम। ओके सो यहां पर सर्वर मैनेजर में हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है और एक्टिव डायरेक्टरी ADDS रोल्स एंड फीचर रोल्स हमारे सर्वर मैनेजर पर शो हो रहा है। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बार में हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ गया है, चेक कर लेते हैं क्या नोटिफिकेशन आया। प्रमोट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर। सो दोस्तों डोमेन कंट्रोलर प्रमोट करने के लिए इस सर्वर को सिंपली हमें इस सर्वर पे
ADDS forest install करना हुआ तो simply हम power cell open कर लेते हैं। okay, so इसके बाद हम command type करते हैं install hyphen ADDS forest hyphen domain name। अब domain का name क्या रखना चाहते हैं अपन, जो भी domain का name रखना चाहते हैं यहाँ पर type कर देते हैं। okay, so domain का name हम type कर देते हैं यहाँ पर techleptocare.com। ओके, सो हमने सिंपली यहाँ पर cmd let टाइप किया कि इंस्टॉल करना चाहते हैं हम ADDS फॉरेस्ट को, और इसमें ADDS फॉरेस्ट में हम जो डोमेन क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम दे दिया, और इसके बाद जस्ट सिंपली प्रेस करते हैं हम एंटर। इसने हमें एक्चुअली सम मिस्टेक एरर, ओके सो install the term install is not recognized as the name of cmdlet as cmdlet function script file or operable program, check the spelling of the name okay and or path was included, verify that the path is correct and try again. okay, ADDS install ADDS forest domain name and domain name, okay, get the install after that string some mistake, so okay dosto. No problem, simply some spelling mistake, install ADDS domain, not ADDS domain, ADDS forest, install ADDS forest, okay, hyphen domain name और domain name type कर देते हैं। ओके, एक्चुअली सम स्पेलिंग मिस्टेक, सो दिस एरर इज कमिंग, नो प्रॉब्लम, दिस एरर इज कमिंग बिकॉज सम स्पेलिंग मिस्टेक। सो इसके बाद सेफ मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, सो सेफ मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इसका यूज तब किया जाता है जब हमें एक्टिव डायरेक्टरी में किसी प्रकार का चेंजेस करना होता है जो कि हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में बहुत कम ही किया जाता है, तो उसके लिए सेफ मोड एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड सेट कर देते हैं हम, तो सिंपली सेट कर देते हैं और यहाँ पर हमें शो नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम। ओके, और इसके बाद हम जैसे ही एंटर करते हैं तो हमें पासवर्ड कंफर्मेशन के लिए, ओके सो हमने पासवर्ड को कंफर्म कर दिया है और प्रेस एंटर, सो द टारगेट सर्वर विल बी कॉन्फिगर्ड, जो हमारा सर्वर है वो कॉन्फिगर्ड है एज अ डोमेन कंट्रोलर एंड रीस्टार्ट व्हेन दिस ऑपरेशन इज कंप्लीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस ऑपरेशन एस, सो हम सिंपली वाई प्रेस करते हैं और एंटर। सो इसने इंस्टॉल ADDS फॉरेस्ट वैलिडेटिंग environment and user input verifying pre-requested for domain controller operation. So हमारा ये ADDS forest install हो रहा है। Okay, so message verification of pre-request is failed. Reboot required false. Okay, so some
promotion failed, the Acto directly released tour mode password doesn't meet the password complexity. Okay. Actually, I have given this password safe mode administrator password. Safe mode administrator password password policies को से match नहीं हुआ है, इसलिए इसने इसने क्या कर दिया है, error दे दिया है. तो simply no problem. सबसे पहले हम command install install-adds domain not domain adds forest after that hyphen domain name or domain का name tag laptocare.com okay and press enter. Save mode password simply जो पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है सेफ मोड पासवर्ड को पासवर्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए. ओके ओके सो इसके बाद द टारगेट सर्वर विल बी कॉन्फिगर्ड एज अ डोमेन कंट्रोलर एंड रीस्टार्ट व्हेन दिस ऑपरेशन इज कंप्लीट. ओके सो कंटिन्यू S Y. Okay, so install ADDS forest validating environment and user input verifying pre-request for domain controller operation. So जो pre-request domain controller operation के लिए okay install ADDS forest validating environment and user input all test complete successfully installing new फॉरेस्ट स्टार्टिंग. सो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में न्यू फॉरेस्ट इंस्टॉल हो चुका है. इंस्टॉलिंग न्यू फॉरेस्ट इंस्टॉल हो रहा है एंड आफ्टर दैट वन मोर कमिंग चेकिंग इफ ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड. ओके कॉन्फिगरिंग ओके सो आफ्टर दैट क्रिएटिंग एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन. सो ADDS फॉरेस्ट के लिए जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी सारे टूल्स एंड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट DNS सर्वर भी इसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाएगा. So, दोस्तों वाया पावर सेल के द्वारा एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना बहुत ही इजी है और सिंपली तरीके से हम पावर सेल में एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल कर सकते हैं और सर्वर को हम प्रमोट कर सकते हैं और एज और डोमेन ज्वाइन करा सकते हैं. सो पावर सेल इज अ वेरी इजीएस्ट वे ऑफ इंस्टॉलिंग एक्टिव डायरेक्टरी CUI बेस यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस. GUI की अपेक्षा CUI में एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना बहुत ही सरल होता है. ओके सो इंस्टॉलिंग न्यू फॉरेस्ट सेटिंग द कंप्यूटर्स DNS कंप्यूटर नेम रूट टू techlaptocare.com. ओके सो ऑल टेस्टेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली इंस्टॉलिंग न्यू फॉरेस्ट सेटिंग द कंप्यूटर्स DNS कंप्यूटर नेम रूट टू techlaptocare.com. जितनी भी रिक्वायरमेंट है इसके बाद जो हमारा DNS सर्वर है वह इस सर्वर पर कॉन्फ़िगर हो रहा है. ओके सो आफ्टर दैट वन मैसेज इज कमिंग द कंप्यूटर इज बीइंग रीस्टार्टेड बिकॉज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज वाज इंस्टॉल्ड. ओके सो हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है.
क्योंकि हमारे कंप्यूटर पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हो गई है। सो रीस्टार्ट होने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारे सर्वर पर ADDS यानी कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉल हो गई है या नहीं, और हमारा सिस्टम यानी कि कंप्यूटर नेम डोमेन में ज्वाइन हो गया है कि नहीं। ओके, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, वेट सम टाइम। ओके, प्लीज वेट। इसके साथ साथ हम पावर सेल के द्वारा कोई सॉफ्टवेयर और कोई फीचर भी सिंपल तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। पावर सेल का यूज ऑटोमेशन में और क्लाउड में बहुत किया जाता है। सो पावर सेल इज वेरी यूजफुल ऑटोमेशन टूल्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ओके दोस्तों, प्लीज वेट। सर्वर ओपन होने में काफी समय लग रहा है क्योंकि जो हमने फीचर इंस्टॉल किए हुए हैं वह सर्वर पर कॉन्फ़िगर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमने ADDS फॉरेस्ट और जो कि हमने सर्वर को डोमेन से ज्वाइन किया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन और सम कॉन्फ़िगरेशन एंड पॉलिसीज एंड सम अपडेट्स अप्लाई होने में समय लग रहा है। सो दोस्तों, इसके बाद सिंपली हम प्रेस कंट्रोल अल्ट एंड टेल टू साइन इन। ओके ओके, सो